रिच आर्कियोलॉजिकल विरासत है और एट द सेम टाइम रिच फॉरवर्ड लुकिंग आर्किटेक्चरल विरासत भी है। दोस्ती साथ सैल्यूट। मित्रों, दोनों का कॉम्बिनेशन रेयर होता है। या तो आपके पास पुराना सब कुछ हो और पुराने के आसपास चलते हो, लेकिन गुजरात एंड पर्टिकुलरली अहमदाबाद आज भी हिंदुस्तान में आर्किटेक्चरल वर्क के लिए, नए नए इनोवेशन के लिए, नवीनताओं के लिए सचमुच में दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। मतलब हमने उस विरासत को अभी आगे बढ़ाया। और दूसरे मित्रों, आज जब क्लाइमेट चेंज की दुनिया में चर्चा हो रही है, क्लाइमेट चेंज के मूल में लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है। क्लाइमेट चेंज को बदलना है तो लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। क्लाइमेट चेंज से बचना है तो लाइफस्टाइल पर सोचना पड़ेगा। सीधा सीधा है मित्रों, इसमें कानून, दुनिया, सेमिनार ये सब चलते ही चलते रहेंगे। मूल काम यही है सर कि क्लाइमेट चेंज से बचना है तो हमने लाइफस्टाइल, क्लाइमेट चेंज का कारण लाइफस्टाइल है। हमारे इस विरासत में देखिए साहब, प्रकृति के प्रति कोई संघर्ष न हो, सारी रचनाओं में प्रकृति के साथ तालमेल हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। मित्रों, इतने बड़े मंदिर हैं, किसी मंदिर को एयर कंडीशन की जरूरत पड़ती है क्या? इतने बड़े मंदिर हैं, कहीं पंखा लगा हुआ देखा है और कभी किसी को पसीना पहुंचता देखा है? कुछ तो होगा। तो वहां मंदिर गए तो वहां डिग्री 44 से 35 को थोड़ी हो जाती है। लेकिन उस समय के लोगों की वो दृष्टि थी कि मकानों की रचना कैसे करें। हमारा दुर्भाग्य हुआ कि हम सोचे समझे बिना पश्चिम की दुनिया को लेते ही गए। वहां पर बेचारों को धूप देखने को नहीं मिलता, इसलिए सारी दीवारें वो शीशे की बनाते हैं। कहीं धूप निकला है तो एक किरण अपने घर में आ जाए। हमने भी पागल की तरह वही किया और फिर धूप आया तो तीन पर्दे लगाए। हम कुछ तो उपयोग करें भाई। मैं लोगों से कहता हूं कि आप पोरबंदर जाते हो, महात्मा गांधी के जन्मस्थान कीर्ति मंदिर जाते हो, सिर्फ कीर्ति मंदिर में महात्मा गांधी का जन्मस्थान देख करके मत आइए। वहां अंदर के कमरे में 200 साल पुराना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को देख के आइए। क्या विरासत थी मेरे देश के पास, 200 साल पुराना रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गांधी के प्रकृति प्रेम। और उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज भी 40,000 गैलन वाटर उसके अंदर सुरक्षित रहता है, साल भर उपयोग में आता है। आप अहमदाबाद में चले जाइए ओल के अंदर, उस समय तो पानी का इतना कष्ट नहीं था, साबरमती भरपूर पानी बहता था, लेकिन तब भी हमारे पूर्वजों को पता था कि पानी को सुरक्षित रखना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम पुलों में है, पुलों के घर के अंदर आज भी भूगर्भ में पानी का टंका है जहां बारिश का पानी सुरक्षित रखा जाता है। और हमारे यहां कुछ समाज ऐसे हैं वहां तो एक परंपरा है, खास करके नागर कम्युनिटी, यहां होंगे कुछ मित्र, तो नागर कन्या के बालों की बड़ी चर्चा है, बस कविताएं लिखी गई है कि नागर कन्या के बाल कैसे होते हैं। लेकिन उसकी एक विशेषता ये रही थी, नागर कन्या अपने घर में बारिश का पानी जो रोकते थे उसी से अपने सर धोती थी, किसी और पानी को छूने नहीं देती थी। ये यानी प्रकृति के साथ जीवन को कैसा जोड़ा था हमारे लोग। कुछ दाल ऐसी आती है जो पकती नहीं, लेकिन अगर उस पानी को लिया तो दाल पक जाती। यानी उन्होंने विज्ञान को जीवन के साथ कैसे जोड़ा था। और ये सारी चीजें मेरे हिसाब से हेरिटेज है।
मैं तो आप कभी स्वामीनारायण मंदिर गए होंगे, कालूपुर, कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर में गए होंगे तो ईश्वर के दर्शन किए होंगे, महात्माओं के आशीर्वाद लिए होंगे और सहज मनुष्य स्वभाव से प्रसाद भी लिया होगा। देश जब गुलाम था तब बना हुआ है और आपको जानकर के हैरानी होगी कि गुजराती लोगों की लड़ने की ताकत कितनी होती है, संघर्ष हमारी जीनेटिक सिस्टम में कैसे है। गांधी ऐसे पैदा नहीं है दोस्तों, सरदार पटेल ऐसे पैदा नहीं है, इस धरती का अपना कोई उसूल है। आप जाकर के स्वामीनारायण मंदिर के वुडन कार्विंग को देखिए, 1857 का जो पहला स्वातंत्र संग्राम हुआ उसकी सारी घटनाएं वहां पर लकड़ी में तरासी गई दिखाई देगी आपको। क्या हिम्मत होगी कि अंग्रेज संतनत हो और उस समय कार्विंग का थीम 1857 का हो, उनके रहते हुए हो और इतना ही नहीं एक मंदिर के अंदर हो। मित्रों, देशभक्ति समाज भक्ति की कितनी बड़ी ऊंचाई हमारी रगों में होगी तब जाकर के हुआ होगा, आज भी वहां मौजूद है। मित्रों, आप में से कई लोग अमेरिका में गए होंगे, आप क्या देखते होंगे, अलग अलग चीजें देखते होंगे। मैं एक बार आइंस्टाइन का स्टेच्यू देखने गया था अमेरिका में, शायद वॉशिंगटन में, अभी भूल गया, कब बहुत साल हो गए, काफी देर वहां में बैठा। आप में से कोई जाए तो मेरा आग्रह है जरूर देखिए, आपको ऐसा लगेगा बस अभी हमें पढ़ाएंगे, वो अभी कोई एक नया थ्योरम दे देंगे, इतना बढ़िया बना है। लेकिन मित्रों, जिस लेवल का मैंने आइंस्टाइन का वो पुतला देखा, आज मेरे गुजरात के अहमदाबाद की पोल में चल जाइए और कवि दलपत राम का स्टेच्यू देखिए, कोई फर्क नहीं। बैठने का तरीका जैसा लग रहा है अभी बात करेंगे। मित्रों, ये क्या विरासत है, क्यों इस विरासत का गर्व न हो में? और वो ऐसी जगह पे रखा है कि लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन सचमुच में जिन लोगों ने इसको बनाया है, अभी अखा का बनाया वो भी उतना ही बढ़िया बना है, लेकिन मैंने दुनिया में उसकी बराबरी का एक ही देखा है, आइंस्टाइन का देखा, उस बराबरी का कहीं देखा एकदम नेचुरल। मित्र, ये विरासतों की तरफ हमारी नई पीढ़ी का ध्यान कैसे जाए, हमारी नई पीढ़ी को उसके साथ हम कैसे जोड़े और उस काम में हम लोगों को कैसे लगाएं। मित्रों, इसको रक्षित करना पड़ता है। हमने अभी एक काम लिया, मेरी सरकार ने जल मंदिर अभियान, अब ये बात सही है, मंदिर शब्द है तो थोड़ा सेक्युलर मित्रों को तकलीफ होती होगी, लेकिन जल मंदिर। मित्रों, हमारी जो पुरानी जितनी भाव है, मित्रों उस जमाने में बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर खर्च हुए होंगे, आज के हिसाब से उसकी कीमत देखो, लेकिन क्या हो गया था, कूड़ा कचरा फेंको, गंदगी करो। मैंने पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चलाया कि जहां जहां ऐसी चीजें हैं खोजो और उसको जल मंदिर का नाम दिया, उसकी खुदाई फिर से की, उसका रिपेयरिंग करवाया, वहीं पर एक छोटा सा गार्डन बनवाया, सीनियर सिटीजन शाम को जाकर के वहां बैठे। और मित्रों, इस राज्य के अंदर कई जगह ऐसी हैं कि वो सारी गांव पुनर्जीवित हुई, पानी फिर से पीने लायक, उपयोग करने लायक, संग्रहित होने लगा। यानी हमारी अब वही चीज आज ही सरकार को बनानी होती तो शायद पंचवर्षीय योजना का टोटल बजट उस पत्थर में डालना पड़ता है और समय पर साथ कहीं ज्यादा पता नहीं था। सब जगह में मैंने उसकी खुदाई की, निकलवाया, सब जगह अभी भी काम चल रहा है, 800 से ऊपर तो ऑलरेडी काम पूरा हो चुका है। हमारी हर ऐसी विरासत की ओर हम सब अगर ध्यान दें, एक समाज में जागरूकता है। अभी बात सही है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच में संघर्ष होता है, डेवलपमेंट और आइडियोलॉजी के बीच संघर्ष होता है, ये करो तो क्या करो। मित्र, देखिए आप पाटन में जाइए, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए पत्थर को किस प्रकार से प्लान किया गया है देख रहे हैं जैसा है। पाटन के सहस्त्रलीन तालाब में बहता हुआ पानी शुद्ध होकर के तालाब में
में जाएं, उसके लिए जो मैकेनिज्म पत्थरों से बनाया हुआ है वे तो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए इतनी परफेक्ट अरेंजमेंट, ये अपने आप में यूनिक है। तो ये समृद्धि और सामर्थ्य के हम धनी है, समाज के अंदर उसको विस्तार से कैसे पहुंचाए, लोगों तक इस बात का ज्ञान कैसे करवाएं। और मुझे विश्वास है गुजरात की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित इस दिशा में भी होगा, आर्कियोलॉजिकल दुनिया की तरफ भी होगा। हमारा हर पत्थर दुनिया को एक नई संदेश देने की ताकत रखता है, हमारे पूर्वजों के लिए तराशी हुई हर चीज मानव जीवन को नया संदेश देने का सामर्थ्य रखता है। इसके प्रति हमारा गौरव होगा, हम उसके साथ गर्व के साथ जुड़ेंगे तो दुनिया अपने आप जुड़ती चली आएगी। और मैं आज यूनेस्को के मित्रों को, एएसआई के मित्रों को आग्रह करता हूं कि आइए, गुजरात एक बहुत बड़ा खजाना है, आइए हम मिलकर के काम करें और पूरे विश्व को हमारे सामर्थ्य का परिचय कराएं, लोगों को इन चीजों को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षित करें, संस्कारित करें। इसी का अपेक्षा के साथ सेफ के मित्रों को, टाइम्स ऑफ इंडिया के मित्रों को इस काम को करने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।